एएचएन न्यूज खबर दुनिया भर से। कभी नमरूद था दुश्मन, कभी फिरौन जालिम था। वक्त बदले हैं चेहरे, नहीं बदला जमाना है। वक्त बदले हैं चेहरे, नहीं बदला जमाना है। हर फिरौन के लिए एक मूसा तो पैदा हो जाता है, लेकिन तारीख हमें गवाही देती है कि वक्त के यजीद फिरौन अबू जहल नमरूद से लड़ना मुश्किल नहीं है। ज्यादा मुश्किल है वक्त के मुनासिबों को पहचानना, ज्यादा मुश्किल है वक्त के भैरवियों को पहचानना। हम सबको मालूम है कि वक्त का फिरौन तो कौन है, लेकिन अब अवाम को वक्त के भैरवियों को पहचानना है, वक्त के मुनासिबों को पहचानना है। अगर कोई मुस्लिम कायदीन कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, रेवंत रेड्डी का साथ दे रहे हैं, तो क्या वो भूल गए जब 2002 में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था तो ये आरएसएस सरना बीजेपी में था। हम उस शख्स पे कैसा भरोसा कर सकते हैं जो आरएसएस में पला बड़ा और बाबरी मस्जिद की शहादत जिसके दौर में हुई थी, वो कांग्रेस का लीडर नरसिंह राव की अस्थियों को जिस तरह कुत्तों ने लेकर भागा था, उनकी अस्थियों को जिस तरह कुत्तों ने खाया था, इंशाल्लाह हर वक्त के जालिम का हाल उसी तरह होगा। आज क्यों कांग्रेस यहाँ पे झूठे वादे कर रही है, मायनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी कर रही है, मैनिफेस्टो जारी कर रही है? अगर कुछ दिखाना ही है तो रिपोर्ट कार्ड बताओ ना भाई। दूसरे स्टेट में जहाँ आपकी हुकूमत है वहां पे आप क्या क्या करें बताइए। वहां का माइनॉरिटी बजट क्या है, वहां क्या डेवलपमेंट करें, वहां पे क्या फर्क है अपना इनकम है, वहां का एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, वो बताओ। सिर्फ झूठे वादे। आज मजलिस के पास मैनिफेस्टो नहीं है, लेकिन मजलिस के पास अपना रिपोर्ट कार्ड है कि मजलिस ने क्या क्या किया है, यहाँ पे क्या तरक्याती काम किया है, मजलिस ने यहाँ पे आवाम के लिए क्या क्या किया है। मजलिस के पास अपना रिपोर्ट कार्ड है। मजलिस काम की बुनियाद पर आवाम के वोट हासिल करते आई है और इंशाल्लाह ये काम हमेशा जारी रहेगा। मेरी आप तमाम से अपील है कि अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करके आप भी अपनी इस जमात को कामयाब करिए, यहाँ के पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख हमको ये पैगाम देती है कि हक मांगने से नहीं मिलता, हक को हासिल करना पड़ता है और हक लड़के हासिल किया जाता है, मेहनत से, जिद्दोजहद से, कुर्बानियों से, बहादुरी से। सरजमी हैदराबाद की आवाम ने मजलिस को और अपने इत्तेहाद को अपने खून पसीने से मजबूत किया है। हमारा इत्तेहाद ही हमारी ताकत है और अपनी इस ताकत से हमने यहाँ की हर हुकूमत से काम लिया है और जालिमों का भी मुकाबला किया है। इतने सालों से सबने मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया है, इसलिए मजलिस आपकी अपनी जमात कहलाई जाती है। मजलिस को बी टीम बोलने वाले, तंजीद करने वाले आज खुद बी टीम बने हुए हैं। मजलिस माइनॉरिटीज के लिए, मुसलमानों के लिए ए टीम है, नंबर वन टीम है, क्योंकि जब कौम के मसलों की बात आती है तो मजलिस सबसे पहले खड़ी हो जाती है। दिल्ली में हम सबने देखा, वहां के गुस्ताख रसूल को कोई सजा नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पे मजलिस की वजह से, अपने इत्तेहाद की वजह से हैदराबाद के गुस्ताख रसूल को सजा दी गई। जब हमारे शहर में गुस्ताख रसूल के खिलाफ एहतजाज हो रहे थे तो मजलिस के लीडर सवाम के साथ थे। यहाँ के नौजवानों को कुछ नहीं हुआ, मजलिस ने यहाँ के नौजवानों को कुछ होने नहीं दिया। एहतजाज के बाद नौजवान सही सलामत अपने घर वापस चले गए और अगर केसेस बुक भी हुए तो मजलिस के कॉर्पोरेटर्स पर हुए। मजलिस ने अवाम को कुछ होने नहीं दिया, नौजवानों को यहाँ के कुछ होने नहीं दिया। लेकिन हम दूसरे स्टेट में देखे तो वहां पे जब नौजवानों ने गुस्ताख रसूल के खिलाफ एहतजाज किया तो उनके ऊपर यूपीए लगा दिया गया। अगर मजलिस अवाम की कौम की नुमाइंदगी करती है तो कौम का तहफ्फुज करना भी मजलिस का काम है, मजलिस की जिम्मेदारी है और मजलिस से जिम्मेदारी निभाती आई है। आज यहाँ बीजेपी के लीडर्स बोल रहे हैं कि वो यहाँ के मुसलमानों का एनकाउंटर कर देंगे, हमारे घरों पर बुलडोजर चला देंगे, मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, लेकिन वो यहाँ कामयाब होने वाले नहीं है और उनको ये बात मालूम है कि यहाँ पे बीजेपी जीतने वाली नहीं है, इसीलिए वो कांग्रेस का साथ दे रहे। कांग्रेस और बीजेपी मिलके हमारे खिलाफ काम कर रहे। कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है, क्योंकि कुछ सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का साथ दे रही तो कुछ सीटों पर बीजेपी कांग्रेस का साथ दे रही। और इस इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्टर आरएसएस है। क्यों? क्योंकि 9.5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ना तो कोई कर्फ्यू हुआ, ना यहाँ पे कोई फसादात हुए,
एएचए न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।